अवर फर्स्ट सीट ड्रॉइंग टाइटल सीट नंबर वन स्केल ड्रॉइंग ये कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है टाइटल ब्लॉक में, जैसे मैंने लिखा हुआ है इसी तरीके से अपने को लिखना है स्केल ड्रॉइंग। दिख रहा है सबको बोर्ड पे? यस ओके सर, यस सर। तो अवर सीट नंबर वन टाइटल इज द स्केल ड्रॉइंग, वी वॉन्ट टू ड्रॉ द स्केल ऑन योर ड्रॉइंग सीट। तो प्रॉब्लम गिवन है अपने को क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट अ स्केल, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ आर एफ 1/4 टू शो सेंटीमीटर्स एंड लॉन्ग एनफ टू मीजर अप टू 5 डेसीमीटर। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको अपने को ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है। तो इन द प्रॉब्लम द गिवन इनपुट इज द, सर स्क्रीन से बाहर जा रहा है थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा उसको। क्वेश्चन में गिवन है अपने को आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द 1/4। अर्लियर वी डिस्कस अबाउट द आर एफ, क्या होता था आर एफ? आर एफ इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्रॉइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आर एफ गिवन है अपने को 1/4। क्या गिवन है देखो, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग तो दे रही है 1 और एक्चुअल लेंथ है इसकी 4। तो अकॉर्डिंग आर एफ अपने को पता लग रहा है वी रिड्यूस द डायमेंशन, जो एक्चुअल में 4 था डायमेंशन उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 में। तो वी आर यूजिंग द रिड्यूसिंग स्केल, कौन सा स्केल यूज में ले रहे हैं? रिड्यूसिंग स्केल। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, बिकॉज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें ड्रॉ कर रहे हैं उसकी एक्चुअल लेंथ तो 4 है बट ड्रॉइंग लेंथ क्या है इसकी? 1। तो हमने क्या किया है, डायमेंशन को शॉर्ट किया है, रिड्यूस किया है। तो वी आर यूजिंग द रिड्यूसिंग स्केल। तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ड्रॉइंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से, जो आर एफ का फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्रॉइंग क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग क्या होगा फॉर्मूला से, आर एफ मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ ड्रॉइंग निकाल रहे हैं तो एक्चुअल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे आर एफ से। तो आर एफ अपना 1/4 और एक्चुअल लेंथ क्या गिवन है देखो, लॉन्ग एन ए मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। क्या मेजर कर रखा है? 5 डेसीमीटर। तो ये अपनी एक्चुअल लेंथ जो क्या है, 5 डेसीमीटर। तो लेंथ ऑफ ड्रॉइंग निकाल लेंगे। बट इन द ड्राइंग लैंग्वेज और इंजीनियरिंग ड्राइंग वी टेक ऑल द डायमेंशन इन एमएम। यस तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 dm इक्वल्स टू, कोई बताएगा कितने सेंटीमीटर होंगे या कितने मिलीमीटर होंगे? 100 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। देख लो, अरे पढ़ा हंड्रेड हो होगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो, पढ़ा था क्या कुछ? यस सर।
यस सर सर। 10 सेंटीमीटर, टेन कितना होगा? टेन सर 10 सेंटीमीटर हंड्रेड 1 डीए में कुल 10 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ तो 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, तो कितना आ गया 50/4। 12.5 12.5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ड्राइंग। ड्रॉइंग, राइट? तो वी इजीली ड्रॉ द लेंथ 12.5 सेंटीमीटर विद हेल्प ऑफ द स्केल। स्केल से हम ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो सब लोग स्केच बुक उठाएंगे, स्केल उठाएंगे और पेंसिल लेंगे, और जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लेंथ ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। नाउ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ स्केल अप टू 5 डेसीमीटर। अप टू 5 डेसीमीटर मेरे को लेंथ को मेजर करना है, 5 टू डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर इसकी मैक्सिमम लिमिट है। कौन सी पेंसिल से बनाना है? एच पेंसिल से। एच कौन सी एच ले लो या 2H हो तो, जिस कोई 2H खरीद के लाया हो तो 2H से भी कर सकते हैं हम लोग। वैसे जो ड्राइंग करेंगे वो सारी 2H 3H से करेंगे, उसके बाद में जो आउटर लाइन और बॉर्डर जो बनाना होता है वो अपन एच पेंसिल से फिर लास्ट में जाके डार्क करेंगे उसको, ठीक है? तो 2H या 3H जिसके पास पेंसिल हो 2H से ड्राइंग कर सकता है अभी। ड्रॉ द लेंथ ऑफ 12.5 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो 12.5 डिवाइड बाई 5 कितना होगा भाई? 2.5 कितना होगा? 2.5 और 2.5 इजीली मेजर विद हेल्प ऑफ द स्केल। मेजर कर सकते हैं 2.5, तो डिवाइड दिस लेंथ, यस सर, डिवाइड दिस लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट। वन इज द 2.5, अनदर वन 5, 7.5, 1 और लास्ट वन 12.5। डिवाइड दिस लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट। यहां से 0 मार्किंग करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। यहां से मैंने फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के फिर नंबरिंग स्टार्ट किए राइट हैंड साइड में, 0, 1, 2, 3, 4। दिस पोर्शन रिप्रेजेंट 1 डेसीमीटर, 2, 3, 4 और 5। तो कहां तक मेजर कर लिया मैंने? अप टू 5 डेसीमीटर। क्या कंसीडर करेंगे अपन? 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डेसीमीटर, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास? 5 डिवीजन, तो 5 डेसीमीटर तक हम लोग मेजर करेंगे। ये अपने अपने माइक ऑफ कर लो भाई। किसी को कुछ पूछना हो तो अपना माइक ऑन करना फिर पूछना, लेकिन इनको माइक ऑफ रखो। यहां तो कोई प्रॉब्लम, इस लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया 5 इक्वल पार्ट, 12.5 की लेंथ थी उसको 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, 5 इक्वल पार्ट के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये डायमेंशन चलेंगे अपने डेसीमीटर के अंदर, लिखना इस तरीके से। देखो ये 1 सेंटीमीटर की स्पेस पे मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इन दोनों के बीच का स्पेस कितना है? 1 सेंटीमीटर, जैसे लेटर राइटिंग करी थी अपन ने, और फिर 2 2 mm पे। दिख नहीं रहा, चलो मैं यहाँ
अब दिख रहा है इधर? फ्रेम से बाहर जा रहा है थोड़ा फ्रेम फोन, से बाहर है सर। राइट साइड करो। स्क्रीन रोटेट कर लो। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, देखे कहाँ तक। 215 अभी सर एक मिनट, देखे कैमरे का कुछ इश्यू आ रहा है यार बच्चों को। हाँ दिख नहीं रहा सर, आउट जा रहा है बोल रहे। बना लिया। अब दिख रहा है वीडियो? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है यहाँ स्टॉप। ठीक है ठीक है। डिवाइड दिस लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। और यहां पे हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। देखो सो लाइन के नीचे क्या लिखा है आपने? 1 2 3। अच्छा यस 0 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग की है मैंने, जीरो अच्छा वन टू थ्री पॉइंट्स ठीक पॉइंट्स पे। है। ठीक और डायमेंशन इस तरीके से देखो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, डिस्टेंस है इनके बीच की 1 सेंटीमीटर, और फिर 2 2 mm पे क्लियरेंस लाइन, 2 mm और 2 mm, और फिर यहाँ पे लिख देंगे जो भी डायमेंशन हम लोग मेजर कर रहे हैं, डेसीमीटर तो डेसी मीटर्स। दिख रहा है इस तरीके से आगे तक पूरा कंप्लीट करना है इसको, डेसीमीटर्स। इतना क्लियर है? नाउ गिवन द हाइट 1 सेंटीमीटर, सर इनके वन बीच का सेंटीमीटर की स्पेस हाइट, कितना? इसके बीच का 1 सेंटीमीटर है टोटल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे 2 mm पे लाइन खींचनी है, और 2 mm पे लाइन खींचनी है, बीच में जो स्पेस बचेगा 6 mm का, उसमें अपने को राइटिंग करनी है। यस सर। ठीक, हाइट देनी है दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर मैंने हाइट दे दी, और फिर इसको कवर कर देंगे। सब पे वर्टिकल लाइन, बेटा एक सेकंड के लिए होल्ड करना। अगर अरे किसी ने कर लिया का काम, मेरे को फोटो भेज देना प्लीज। मैंने स्केच फाइल की स्टार्टिंग का काम तो प्रॉपरली बताया ही नहीं। स्टार्टिंग का कौन सा? अरे मतलब लेटर राइटिंग और ये सब सर ने बताए कहाँ थे हमें? लेटर राइटिंग तो बताया हुआ था ना सब, पूरी क्लास में एक अरे साथ। जरिन तूने कर स्टार्टिंग में लिया हुआ क्या? था पर मैंने लेटर इन्होंने राइटिंग सर को ने क्या बताया? लाइनिंग्स वगैरह इसे बताई नहीं। तो यार सर मेरे को दे दियो यार, मैं ले जाऊंगा। ठीक है लेटर ना, मैं ले जाऊंगा तेरे घर से। ठीक है ना? फाइल हाँ कर लियो है ना? ठीक है बाकी तो करने दे पहले, फिर ले जाना। हाँ एक कर लियो, मतलब जल्दी तेरा कंप्लीट हो जाए मैं ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, थर्ड की सर क्या बता रहे थे लिखने के लिए? ये जो अभी है शायद से नहीं, डायमेंशन एक और चीज सिस्टम, बताई थी सर ने, टाइटल बॉक्स, लाइनिंग्स और लेटर राइटिंग के बाद एक और चीज बताई थी। लाइंस वाला टॉपिक। अब ये तो इसके भेज अलावा देना। भी था कुछ? टाइटल ब्लॉक के बाद था लेटर राइटिंग, फिर था टाइप्स ऑफ लाइन, और उसके बाद था डायमेंशन सिस्टम। डायमेंशन सिस्टम। हाँ अब जिसने करा है वो भेज देना है, मैं इधर से लेटर राइटिंग करा हाँ है। किसने कर लिया यार ये बताओ।
सर ने बताया ही आज अपने को सिर्फ लेटर राइटिंग का हमको बताया ही नहीं सर क्यों कर रहा है सर लेटर राइटिंग का खुद ने ये सर फाइट वाले बैच में डिस्कस हुआ है अपने बैच में डिस्कस नहीं हुआ ये हां अपने बैच में डिस्कस नहीं हुई थी राइट वाले में हुई थी सर को बोलो ना बोलो सर को बोलो ना बोलो फिर एक काम करो अभी ज्वाइन करेंगे तब बोल देंगे वापस एक बार आ गए आ गए सर म्यूट है हाँ सर अब सही है ओके तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था बेटा किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता हूँ किसी को दिक्कत हो यहाँ तक सर डेका मीटर जो लिखा है वो कितना नीचे लिखा है उसको डेसीमीटर इसके जस्ट नीचे लिख देना कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं है भाई 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर अपने को लेंथ छोड़नी है ऐसा कुछ नहीं है आपको जहाँ स्पेस सही लगे वहां पे आप लिख देना और डेसीमीटर जो जगह में लिखा है वो क्या डेसीमीटर जो लिखा हुआ है उसकी क्या लेंथ है 6 mm हाँ सॉरी 6 mm है हाँ कर लेना छोटा सा इसी में हो जाएगा आधे पेज का काम है ठीक है अब क्या करेंगे अपन को डेसीमीटर से छोटी यूनिट क्या आती है सेंटीमीटर सेंटीमीटर और वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 1 decimeter इक्वल्स टू 10 centimeter तो देखो यहाँ पे जो सिंगल यूनिट थी वो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही थी 1 decimeter 2, 3, 4 and 5 decimeter तो क्यों ना इस एक डेसीमीटर की जो यूनिट है इसको डिवाइड कर दे 10 equal parts के अंदर आई बात समझ में एक जो यूनिट है ये पूरा आपका डेसीमीटर है यहां से यहां तक का इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 10 equal part में तो सेंटीमीटर भी हम लोग मेजर कर लेंगे ये सुनो यस सर भाई अभी तो प्लेन स्केल बनाए इससे हम लोग केवल डेसीमीटर मेजर करते हैं लेकिन अगर छोटी यूनिट में मेरे को मेजर करना है तो सेंटीमीटर भी ड्रॉ करना पड़ेगा और 1 decimeter इक्वल्स टू क्या होता है 10 centimeter तो वी वांट टू डिवाइड दिस 1 decimeter इनटू 10 equal part ऑफ सेंटीमीटर्स तो 1 dm इक्वल्स टू 10 cm इस पोर्शन को अपने को डिवाइड करना है 10 equal part इस पोर्शन की लेंथ क्या थी 2.5 centimeter तो 2.5 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 2.5 millimeter से कितना आएगा 0.25 हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या सर मिलीमीटर में कर लेंगे मिलीमीटर में भी नहीं होगा बेटा अगर 0.2 होता तो 2 millimeter हम लोग मेजर कर लेते लेकिन यहाँ पे 0.25 है और 2 और 3 के बीच में कौन सा स्पेस लेंगे हम लोग नहीं कर सकते ना नहीं तो इसके लिए देखो एक मेथड बताऊंगा मैं ध्यान रखना हमेशा ये आगे भी काम आएगा जब भी इस टाइप की कोई लेंथ मिल जाती है अपने को ठीक है तो ये तो अपन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे प्लेन स्केल से तो देखो क्या करेंगे सपोज लेंथ है आपकी 2.5 इसको 10 equal part में डिवाइड करना है तो 10 equal part में डिवाइड कर रहा हूं तो 0.25 आ रहा है लेकिन इसको मैं मेजर नहीं कर पा रहा ठीक है तो अब क्या करेंगे हम लोग एक मेथड यूज में लेते हैं देखो ड्राफ्टर से यूज में ले लो या सेट स्क्वायर लाए हो सब लोग सेट स्क्वायर लाए हो यस सर 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर निकालो
60 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है वो निकालो, और ऐसी लेंथ लेनी है जो इक्वली डिवाइड हो जाए 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर, ऐसी लेंथ लेनी है जो इक्वली डिवाइड हो जाए 10 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर लेता हूं तो 0.3 हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं होगा? अगर 2.5 की जगह मैं लेंथ ले लेता हूँ 3, तो 3 डिवाइड बाय 10 0.3 हो जाएगा सर। 0.3 इजीली डिवाइडेबल सर, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 मेजर कर सकते हैं हम लोग। समझ में नहीं आया सर। देखो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, 0.25 को मेजर करने में। Yes, अगर मैं लेंथ को बढ़ा के 3 कर लेता हूँ, 3 को डिवाइड किया 10 से तो 0.3 आया। हाँ तो 0.3 का मतलब हो गया 3 mm, 0.6 का मतलब हो गया 6 mm, तो 3 mm मेजर कर सकते हैं क्या हम लोग? 3 mm तो ले सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे 0.25 था तो अपन मेजर नहीं कर पा रहे थे, 3 mm तो हम लोग मेजर कर सकते हैं भाई, है कि नहीं? Yes, अगर मैं 3 नहीं लेना चाहूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 5, तो 5/10 कितना हो जाएगा, 0.5। ये भी इजीली डिवाइड, क्यों ले रहे हो 5, क्यों ले रहे हो, ये समझ में नहीं आया। बिकॉज अपने को इक्वल डिवीजन करने हैं, और 2.5 ऐसी लेंथ है जो कि डिवाइडेबल नहीं थी 10 इक्वल पार्ट में। हाँ सर, इसलिए मैं इक्वल डायमेंशन लेने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि मैं 3 लूंगा 5 लूंगा, कोई भी ऐसी लेंथ लेनी है जो इक्वली डिवाइड हो जाए और इजीली अपने स्केल से मेजर हो जाए, राइट? अच्छा, तो अगर मैं 5 लूंगा तो 0.5, अगर 7 लूंगा तो 0.7, कुछ भी हो सकता है। आगे समझ सर, आगे दो बॉक्स का, दो बॉक्स को कंसीडर करके कर रहे हो आप। हाँ, सिंगल ना। अब यहाँ ध्यान से देखना, 2 भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, 0.2 हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है ना? लेकिन 2 जो लेंथ लेंगे ना बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, और फिर अपने को लाइनिंग मैच करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी। तो इसलिए मैं एक लेंथ ले रहा हूँ, इधर देखना सब लोग, ये तो 2.5 की थी, और 60 डिग्री पैरेलल एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ खींचना, कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। लेंथ कितनी ली है मैंने, 5 सेंटीमीटर। जिसके पास सेट स्क्वायर हो सेट स्क्वायर से कर लेना, ड्राफ्टर तो अभी हम लगा नहीं सकते, नहीं तो ड्राफ्टर से भी होता है काम। सर मैं तो ड्राफ्टर से कर, हाँ ड्राफ्टर को 60 डिग्री पे सेट करो और एक लाइन खींचो 5 सेंटीमीटर की। कौन से पॉइंट पे सर? ये जो लाइन थी ना यहीं पे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अच्छा, ये अलग बनानी है? हाँ, एक तो मैंने 2.5 की हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, हाँ इसी को डिवाइड करना है मेरे को 10 पार्ट में। इसके लिए मैंने एक क्रॉस लाइन खींची 5 सेंटीमीटर की। सर मैंने बॉक्स को लेफ्ट साइड बनाया, तो राइट साइड बना लूं उसको? अरे कहीं भी रफ काम है, इसको तो मिटाना है अपने को, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें तरीका। अच्छा ऐसे ही क्या, ठीक है ना, इसको तो रफ करेंगे अभी हम। इतना काम हो गया, अब जो 5 सेंटीमीटर की लेंथ थी इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्केल लगाओ अपना और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया मैंने। ये देखो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5 सेंटीमीटर। 60 डिग्री कर दोगे, 5 इक्वल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब क्या किया है मैंने, इसके एंड पॉइंट को यहाँ स्केल रखना, देखो जैसे मैं रख रहा हूँ, इसका जो एंड पॉइंट है इस पे स्केल लग के और इन दोनों पॉइंटों को मैच कर दो। इसका एंड पॉइंट
स्केल से इसके एंड पॉइंट से मैच कर दो। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम सर, बोलो। ड्राफ्टर में जैसे जो एल बन रहा है ना सर, तो जो 60 डिग्री है ना वो स्केल के ऊपर है सर। 60 डिग्री जो बन रहा है ना, 60 बेटा पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच, ठीक है, खींच ली, उसके बाद में उसको स्क्रू को ओपन कर, कर लिया, 60 डिग्री पे सेट कर, कर दिया। तो आपको एक सेकेंड दिखाना, स्क्रीन ऑन कर गए। नहीं नहीं स्क्रीन ऑन करने कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं। सर ये 60 यहाँ आ रहा है सर, तो नहीं कर सकते क्या इसको? यहाँ आ रहा है 60। हाँ जहाँ भी आ रहा हूँ खींच दो, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मेरे डायग्राम में मुझे ना मेरा डायग्राम अलग बनेगा, क्योंकि मैं कोई एपरेटस यूज में नहीं ले रहा, मैं मैन्युअली ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। ड्राइंग जो बनेगी वो आपकी सीट पे बनेगी एक्चुअल, मैं तो यहाँ पे मैन्युअली ड्राइंग बना रहा हूँ, राइट इतना काम करेंगे। इसके एंड पॉइंट को इससे, दोनों के एंड पॉइंट को मैच कर दिया। अब क्या करेंगे, ड्राफ्टर को इसकी कोलिनियर करना है, ड्राफ्टर हो चाहे सेट स्क्वायर हो, तो सेट स्क्वायर को इसके कोलिनियर करना है, इस पॉइंट पे रखो और इसके पैरेलल लाइन, इस पॉइंट पे रखो इसके पैरेलल लाइन, इस पॉइंट पे रखो इसके पैरेलल, ये 10 डिवीजन हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आया कि नहीं आया समझो। अब इसको जैसे मेजर करेंगे हम लोग, ये इक्वल डिवीजन होंगे सारे, किसी को कोई डाउट इसमें दोबारा पूछना हो तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये पॉइंट कितने कितने मेजरमेंट के लेने, जो आपने डिवीजन लिए? डिवीजन मैंने 5 सेंटीमीटर, तो 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरीके से मार्क करना है, स्केल लगाएगी, ठीक है ना? अच्छा। और हर पॉइंट को जैसे इसका एंड पॉइंट मिला दिया, और फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हर पॉइंट से। ओके ठीक है, तो अपने को जो स्पेस मिलेगा इक्वल डिवीजन मिलेगा। देखो ये सारे इक्वल डिवीजन है। अब अपने को मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं, अपने ग्राफिकली मेथड यूज में लिया है अपन ने इसको डिवाइड करने का, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। ये एक बार और बता देता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आगे सर 4.5 की लेंथ है, सर ये पूरा एक ही पेज में 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसको डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी क्या करेंगे, वही 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर किसी की भी ले लो, लेंथ खींच दी मैंने और 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया 60 डिग्री पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो कितना हो गया 0.6, 6 mm, फिर 12, फिर 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 6 सेंटीमीटर एंड पॉइंट को इससे मिला दिया, इसके एंड पॉइंट से, और फिर पैरेलल लाइन खींचते हुए चलो, सेट स्क्वायर से या ड्राफ्टर से जो भी आप यूज में ले रहे हो, ये सारे डिवीजन है इक्वल डिवीजन होंगे। अब किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट है क्या? नो सर, नहीं सर। अभी अभी तक जो काम किया था वो सारा 2H पेंसिल से करेंगे हम लोग, अभी तक जो किया था इसके। हाँ बोलो। ऊपर वाली जो अपन ने 012 बनाई है, इनके अंदर बनाना है इसके ऊपर 012 ये वाली। हाँ
नहीं ये तो नीचे लिखना है ऐसे, जैसे मैंने मैं बना रहा हूँ एज इट इज ऐसा ही डायग्राम बनाना है राइट। जो मार्किंग करनी है ना वो बॉटम साइड में करनी है। अब देखो यहाँ पे मेरे को डिवीजन करने हैं, जो 2.5 की सेंटीमीटर की जो डिवीजन था इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ खींचना 60 डिग्री पे, इसके ऊपर डिवीजन कर रहे हैं हम लोग अब स्केल में, और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो 5 सेंटीमीटर की, जैसे मैंने लेंथ खींच दी 10 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 को 10 में, जीरो हाँ फाइव को टेन में वही 0.5 0.5 ठीक है। और देखो इसका एंड पॉइंट ये है तो इसको एंड पॉइंट से मिला दो। सेबा वापिस रिपीट करना। सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। सर आवाज गई आपकी, वॉल्यूम कैसे आई? नहीं सर, शायद माइक का वायर हट गया। आवाज गई सर। अब आ गई है सर। नहीं फिर चली गई बीच में। हाँ सर आ गई। गायब हो गई सर वापस। चली गई सर। सर अब आप म्यूट पे हो। अब आ रही है बेटा। हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है। नहीं खींचा विचा तो नहीं, पता नहीं ये आ गया होगा यार। हेलो सर आ रही है आवाज। आ रही है सर आवाज। हेलो यस सर को मत सर। हाँ आ रही है आवाज। आ आवाज। रही है बेटा। हेलो हाँ सर यस सर। हाँ सर यस सर। ओके। अब तेरे को हमारी आवाज नहीं जा रही। इतना हो गया था। देखो सर आवाज आ फाइव रही। सेंटीमीटर की लेंथ मैंने खींची हेलो और उसको डिवाइड कर दिया 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर। सर आवाज आ रही है हमारी। पैरेलल लाइन को हम मिलाते हुए चलेंगे इसके। देखो पैरेलल लाइन सर ये 10 लाइन हम लोगों ने इस तरीके से खींच दी। सर को अपनी आवाज नहीं आ रही सर। अब जो भी इंटरसेक्शन मिलते हैं अपने को इस लाइन पे, ये देखो इस तरीके से, इन पे सब पे वर्टिकल लाइन स्केल से। आवाज आ रही है बेटा। हेलो सर आवाज आ रही है। हमारी आ रही है क्या? हेलो हमारी आवाज आ रही है क्या सर? हेलो सर आवाज आ रही रुक से है। तो सर आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही है। हेलो सर आपको आ रही है क्या? हेलो 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 सर। हाय सर। हेलो अरे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, मेरे तक पहुंच नहीं रही। बिल्कुल सर पता नहीं आपका माइक खराब हो गया फिर से। सही कहा सर आपने। हाँ अरे यार सर। सर
चलो ठीक है, ये हम लोगों ने डिवीजन कर दिए, 10 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका सेंटीमीटर्स को, बनाना तो दो सर, सेंटीमीटर्स। राइट हैंड साइड का पोर्शन स्केल अपने को डेसीमीटर मेजर कर रहा है, दूसरा सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू मेजर द डायमेंशन ऑफ 2.4 डेसीमीटर। अगर मेरे को 2.4 डेसीमीटर मेजर करना है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 तो हो गया अपने पास डेसीमीटर और 4 हो गया सेंटीमीटर्स। तो 2 डेसीमीटर मेजर करना है तो 0 से चलेंगे 1 एंड 2, और 4 सेंटीमीटर स्केल अपना ये है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आपका डेसीमीटर है। तो यहाँ पे 4 अपने को मेजर करना है, तो 0 से 1, 2, 3 एंड 4 सर। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी अपनी सर। सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? 2.4। अरे कोई टाइप कर लो फिर, वो दिखाई नहीं दे। ओके इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। अरे स्क्रीन शेयर करूं क्या जरन? किस चीज के लिए तो कर दो सर को, बोलो पर बोलो सर, मैसेज नहीं पढ़ रहे।